हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ टूर पे, फिर से ओल्ड विलेज का टूर। सो देखते हैं ये वीडियो कैसा होता है। सो लेट्स गो। अभी हमारे घर के पास का छोटा सा चौक जिसका नाम है बिशनपुर बाज़ार या बिशनपुर चौक, वो चौक है ये। अभी सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आज पानी लगा हुआ है। और ये चौक, मेन चौक ये है, यहाँ से ये मेन चौक है और सीधे जाएंगे अपने घर की तरफ, मीन्स ओल्ड वाले घर। सो लेट्स गो। सो आप लोग भी घूम लो मेरे साथ में विलेज टूर। ये है बिहार का गांव, घूम लो आप भी मेरे साथ डिजिटली। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको डिजिटली टूर करने में विलेज। और ये जो आपको पक्का रोड दिख रहा है कंक्रीट का, ये कुछ ही देर बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है गांव का ओरिजिनल रोड जो खुद से बन के तैयार होता है, वो रोड आपको देखने के लिए मिलेगा। सो अभी देखते हैं थोड़ा टाइम आगे, मीन्स कुछ ही दूरी पे। और यहाँ से जो एरिया स्टार्ट होगा, ये रहा वो सड़क। एंड ये जो है, ये बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, मीन्स बाढ़ आता है तो ये पूरा डूब जाता है। अभी जो मैं जिस रोड पे अभी जा रहा हूँ बाइक से, वहाँ पे अगर बाढ़ के टाइम पे हम ये इस रोड पे खड़े भी हो जाएंगे ना, फिर भी डूब जाएंगे, क्योंकि उतना लंबा एंड ऊंचा पानी रहता है इस रोड पे। ये देख लो, ये बाढ़ का ही पानी रुका हुआ है, जो अभी बचा हुआ है वो पानी है। एंड इधर ऑलमोस्ट सूख गया है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे एक और चिमनी, ये एरिया में आपको चिमनी, मतलब इस टाइप के एरिया में आपको इस तरह से ज़्यादा करके ईंट का भट्टा मिलेगा, क्योंकि इधर मिट्टी वगैरह अच्छा खासा है तो उससे ईंट वगैरह बनता है। इसके लिए इधर आपको ज़्यादातर ईंट का भट्टा मिलेगा। और फिर से थोड़ा टाइम के लिए ना कंक्रीट वाला रोड यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद फिर इससे भी मतलब गांव का रोड देखने को मिलेगा। जस्ट मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर मेमोरीज, मीन्स कभी कभी बाहर रहते या फिर कहीं पे रहते हैं तो ये टूर वीडियो देखेंगे, या फिर बाद के टाइम पे, तो मज़ा आ जाता है ना देख करके।
सो इसके लिए मैं सिर्फ इसको शूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर मेमोरीज और बाकी कुछ काम के लिए नहीं। सो ओ भाई ये क्या इतना लंबा ब्रेकर बना के रखा हुआ है ये लोग। एंड यहाँ से मेन गांव स्टार्ट हो गया है और ये गांव आपको देखने के वो मिलेगा कुछ ही टाइम बाद। एंड ये रास्ता भी कंक्रीट वाला ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ से राइट लेंगे और ये घने आबादी वाले गांव स्टार्ट यहाँ से। और ये रहा कच्चा रोड कंक्रीट का रोड छोड़ के ये कच्चा रोड है। इसी तरह का रोड अब मिलने वाला है और आगे बहुत ज़्यादा खतरा वाला रोड है। सो देखो कैसा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू हुआ करता था अभी कम है। सो अभी राइट साइड में ये देख रहे हो मक्का का फसल है एंड लेफ्ट साइड में ये गेहूँ वीट ये भी वीट का है। और यहाँ से पानी पड़ता है सिंचाई के लिए। और ये है कुछ इस तरह से अपना पुराना विलेज। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बालू है। और ये जो देख रहे हो ये परवल है इस परवल है इसमें और उधर वीट गेहूँ है। ये दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरा है। और फिर आगे जाएंगे। इससे पहले मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शूट करके वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ तो आप लोग देखना चाहोगे हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। और ये जो है ये मेरा पुराना गांव है जहाँ से मैं जहाँ तक मुझे याद है 3-4 साल का एज था तब से मैं ये गांव में रहता हूँ। तो ये मेरा बचपन का गाँव है और वहाँ पर जो मैं रहता हूँ नए वाले घर पर तो वो कुछ 2011 से रह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मीन्स 10 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ। सो मुझे ये गांव छोड़ के 10 साल हो गया है। और मैं जहाँ पे पढ़ाई किया हूँ स्टार्टिंग टाइम का सो वो स्कूल भी यहीं पे आ गया है। सो ये जो आपको रेड कलर का जो ये यहाँ पे बिल्डिंग दिखेगा ये स्कूल है जहाँ पे मैं 1-5 क्लास तक स्टडी किया हूँ पढ़ाई किया हूँ ये स्कूल में। ये स्कूल अभी काफ़ी गंदा हो गया है। सो आप देख लो ये स्कूल है इसमें मैं 5th तक पढ़ाई किया हूँ 1-5th। एंड इसके बाद ये जो सामने दिख रहा है इसमें भी मैं थोड़ा टाइम तक पढ़ा हूँ जब तक वो स्कूल नहीं बना था। वो स्कूल तब बन रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन में था तब ये इस स्कूल में भी पढ़ा हूँ। तो अभी आप ये स्कूल का कंडीशन देख सकते हो। सो इसमें मैं करीब करीब 6 महीना टू 1 साल तक पढ़ा हूँ। और ये इसके पीछे ये मेरा खेत मीन्स जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। सो ये है मेरा घर का पुराना वहाँ पे जो आपको ऊपर में दिख रहा है वो है मेरा घर जहाँ पे मतलब घर था। ये ऊंचा भरा हुआ दिख रहा है ये काफ़ी ऊंचा था लंबा चौड़ा था लेकिन अभी जो है ये नीचे छोटा हो गया है। सो ये है साइड में कुछ ऐसा नज़ारा। और जब भी मैं रहता था 10 साल पहले उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छा खासा गांव हुआ करता था और अभी ये उतना अच्छा भरा पूरा गांव नहीं है क्योंकि ये गांव बिखर गया है और बिखर रहा है धीरे धीरे करके धीरे धीरे एक एक करके गाँव के लोग सब भागते जा रहे हैं इधर उधर क्योंकि इधर बाजू में ही बूढ़ी गंडक नदी है वहां पे मैं अभी जाऊंगा वो भी नदी दिखा दूंगा आपको।
सो इसके लिए इधर की तरफ कटान हो रहा है, इसके लिए लोग इधर से एक एक करके जा रहे हैं। सबसे पहले इस गांव से मैं ही बाहर गया था, तो अभी जाएंगे, अभी फिर चलते हैं उधर नदी की तरफ और उसके बाद फिर घर पे रिटर्न जाएंगे। सो लेट्स गो। और ये रास्ता है जिधर से हम लोग पास होते थे, लेकिन अभी भी ये रास्ता है वैसे का वैसे, लेकिन इधर कोई रहने वाला नहीं है, इसके लिए फिर भी चालू है। सो लेट्स गो। ये फाइनली अपन इधर आ गए नदी के तरफ में। ये नदी है बूढ़ी गंडक, जिसमें हम लोग बचपन में नहाया करते थे।